स्थानीय उत्पादों को सराहा। विभिन्न विभागों ने स्टॉलों के माध्यम से बस्तर की विशेषताओं का किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज चिराग योजना के शुभारंभ के अवसर पर कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कृषि एवं सहयोगी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया और यहां के प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण भी किया। कृषि मेले में कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लाई फुड़ाई मशीन, लघु धान्य फसल बुआई यंत्र, हल मेड़ बनाने का यंत्र, कोदो वीडर, पैडी वीडर, साइकिल वीर हो, बस्तर कृषि उत्पाद का प्रदर्शन, लघु धान्य फसलों की विभिन्न किस्में, काजू प्रसंस्करण केंद्र आदि का प्रदर्शन किया गया। कृषि मड़ई में मछली पालन विभाग, नारियल विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में हरिहर बाजार, डायनेक्स पशुधन विकास विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विकास एवं कृषि कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न उत्पादों कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल सहित कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने स्टॉलों का अवलोकन किया और कृषकों, महिला स्वसहायता समूहों, लघु वनोपज का संग्रहण प्रसंस्करण से बने उत्पादों का स्वाद भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मछली पालन विभाग की मोंगरी योजना के तहत 10 मत्स्य उत्पादकों को मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स का वितरण किया और कृषि अभियंत्रिकी बस्तर संभाग के तहत 7 कृषकों एवं एक महिला स्व सहायता समूह को एक एक नग ट्रैक्टर सह उन्नत कृषि यंत्र प्रदाय किया। उन्होंने कच्ची घानी तेल प्रसंस्करण मशीन का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदर्शित बस्तर के सभी जिलों, बस्तर का काजू, कोंडांग का नारियल, नारायणपुर का शकरकंद, कांकेर का सीताफल, सुकमा की लौकी, दंतेवाड़ा का कुम्हरा और बीजापुर का चीकू की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने रागी से निर्मित कुकीज का स्वाद लिया और महिला स्वयं सहायता समूह को स्थानीय उत्पादों में विशिष्ट खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्मित करने के लिए प्रोत्साहन दिया।